हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं सारे? आज आपके लिए आ चुके हैं इतनी सारी वॉचेस। ये रहने वाली है हेलो 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 वॉचेस रहने वाली है हेलो की, और उसके साथ साथ रहने वाली है एचकेट प्रो मैक्स जनरेशन 2। तो आज कंपेयर करने वाले दोनों वॉचेस को, बहुत ज्यादा मार्केट हिला रखी है दोनों वॉच ने। एक तो हेलो वॉच, भाई कसम से प्यार हो गया इस वॉच से जब से मैंने देखी है ना, खोली है चलाई है, एक नंबर भाई, एक नंबर वॉच है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ एक नंबर क्वालिटी रहने वाली है हेलो वॉच की। उसके साथ साथ यार जो नई जनरेशन की एचकेट प्रो मैक्स आई है, ये भी प्यार है भाई। एचकेट प्रो मैक्स तो सबका प्यार है, ये तो मैं मानता हूँ भाई, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, अच्छी खासी बिकी है भाई एचकेट प्रो मैक्स। और भी कस्टमर बहुत डिमांड कर रहे हैं यार जनरेशन 2 की। जनरेशन 2 भी आ चुकी है, जनरेशन 1 भी पड़ी है अपने पास, हेलो वॉच भी पड़ी है। तो जिस किसी ने ऑर्डर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ऑर्डर कर दो। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, वीडियो को लेट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस दोनों के बॉक्स कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। ये अपने रहने वाले हेलो वॉच का बॉक्स, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो हेलो वॉच लिखी हुई है, प्रॉपर यहाँ पे ब्रांडिंग रहने वाली है हेलो वॉच की। फटाफट इसे ओपन करते हैं, दिखाते हैं। वैसे बॉक्स में तो कुछ नहीं है, बस आपको बॉक्स दिखा रहा हूँ, बॉक्स में कंटेंट क्या क्या रहने वाला है। इसके अंदर देख सकते हो पूरी मैनुअल रहने वाली है हेलो वॉच की। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इसको भी फटाफट। इन्होंने पैकेजिंग यार बहुत अच्छी कर रखी है, पैकेजिंग भी इसने बहुत प्रीमियम पैकेजिंग है, देख सकते हो। इसमें एक स्ट्रैप रहने वाला और इसके साथ आपका जो यूएसबी चार्जर रहता है वो रहता है। और एचकेट प्रो मैक्स की तो बेसिक जैसी रहती है यार, वैसी सेम टू सेम वैसी पैकिंग रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इसका चिट्ठा रहने वाला है, यहाँ पे ब्लैक कलर का स्ट्रैप है, और ये अपनी रहने वाली है जेन 2 वाली। फटाफट इसे करते हैं ओपन, मैंने ओपन भी नहीं करी यार इसकी सील। तो गाइस राइट साइड में मेरे पास रहने वाली एचकेट प्रो मैक्स, लेफ्ट साइड में हेलो वॉच रहने वाली है। फटाफट दोनों को बूट करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसी क्वालिटी रहने वाली है। ए वाली ऊपर वाले बटन से होती है, ए वाली नीचे वाले बटन से होती है। फटाफट दोनों को आपको बूट कर दिखाता हूँ। दोनों में हेलो रहने वाला है, तो ये मत सोचना दोनों सेम कंपनी की है, दोनों अलग अलग कंपनी की है, बट हेलो दोनों में आता है। और फ्रंट में आप देख सकते हो दोनों को एमोलेड पैनल है, और क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपर ब्लैक रहने वाले हैं। पहले तो आप डिस्प्ले पे आते हैं, डिस्प्ले में आप देख सकते हो दोनों की क्वालिटी एक नंबर रहने वाली है। प्लस अगर ब्राइटनेस के मामले में देखा जाए तो हेलो वॉच 3 की ज्यादा ब्राइट है डिस्प्ले। और अब आते हैं वॉलपेपर्स पर, वॉलपेपर्स अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगा तो इसके वॉलपेपर्स आते हैं, और यहाँ से स्क्रॉल करूंगा तो इसके वॉलपेपर्स आते हैं। अगर देखा जाए वॉलपेपर वाइज, तो मुझे वॉलपेपर वाइज जो अपनी है एचकेट प्रो मैक्स जो जनरेशन 2 है वो बेटर लगती है, क्योंकि इसके वॉलपेपर यार बहुत प्रीमियम लगते हैं। ये वाला वॉलपेपर आप देख सकते हो यार, ये तो दिल छू जाता है वाला वॉलपेपर। और ऐसी बात नहीं है, जो हेलो वॉच 3 है उसमें भी काफी अच्छे अच्छे वॉलपेपर आते हैं, जैसे देख सकते हो हर्मेस का वॉलपेपर है, बहुत सारे वॉलपेपर्स यहाँ पे आप कलर चेंजिंग वॉलपेपर, जिसमें 90% इसमें सारे कलर चेंजिंग वॉलपेपर्स है। आप कहीं भी दबाओगे इसके कलर चेंज होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो आप 90% इसके सारे कलर चेंजिंग वॉलपेपर। ये मुझे इसकी अच्छी बात लगी, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कलर चेंजिंग वॉलपेपर्स नहीं आते हैं, ये इसकी नेगेटिव पॉइंट है। कलर चेंजिंग वॉलपेपर आने चाहिए यार, क्योंकि ओरिजिनल में भी आते हैं। गाइस अब आते हैं प्रोसेसिंग पर, दोनों की प्रोसेसिंग पावर देखते हैं किसकी बेटर रहने वाली है। ये राइट हैंड में मेरे पास एचकेट प्रो मैक्स है, लेफ्ट में हेलो वॉच 3 है। फटाफट प्रोसेसिंग पावर देखते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हो आप स्मूथनेस के मामले में एचकेट प्रो मैक्स का जवाब नहीं है यार। सबसे पहले तो आप देखो, ये देखो बिल्कुल मक्खन चलती है, ये थोड़ी चलती है फ्लैट की तरह, देखो जैसे आराम से चलेगी धीरे धीरे, हल्के हल्का लैग आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल एकदम स्मूथ चलती है, बहुत जेन्युइन यार हेलो वॉच 3। वैसे तो फीचर वाइज तो एक नंबर है, बट जो मजा है चलाने में, फील में, वो आपको एचकेट प्रो मैक्स में ही आएगा। और गाइस अब नेक्स्ट आते हैं फीचर्स पर, कौन कौन सी वॉचेज में कैसे कैसे फीचर्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने हेलो वॉच 3 पर। हेलो वॉच 3 में जो मेन फीचर, जो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है, वो है इसमें 4 GB की इंटरनल स्टोरेज आते हैं गाइस, 4 GB की, 4 GB के अभी तक कोई वॉच में नहीं आया। और यहाँ से आप TWS कनेक्ट भी कर सकते हो इस वॉच के अंदर, देख सकते हो लोकल म्यूजिक और आपका जो TWS है। यहाँ पे सर डिवाइस पे जाऊंगा, इसका ब्लूटूथ ऑन होगा, वो ब्लूटूथ इसमें आ भी जाएगा। तो ये चीज़ इसमें बहुत डिफरेंट रहने वाली है, आप इसमें अपने जो सॉन्ग्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा रहने वाले हैं। और इसमें आपको वॉइस रिकॉर्डिंग का भी फंक्शन मिलता है, इसमें आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ नीचे करके, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। और आप तो गाइस नेक्स्ट आते हैं इसके, देख सकते हो आप कलर्स पर। सबसे पहले तो मैं बॉडी कलर आपको दिखा दूँ, बॉडी कलर ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है दोनों में। और जो पहले वाला मैं आपको दिखाता हूँ, जो अपनी JS8 Pro Max है और HK8 Pro Max का भी डिफरेंस दिखाता हूँ। हमारी JS8 Pro Max आती थी पहले, और अब कलर आप चेंज देखो दोनों में कितना कलर डिफरेंस आ गया, देख सकते हो आप। ये आती है अपनी गोल्ड सिल्वर टोन में, और ये अब इसमें मैट कर दिया, और बिल्कुल सॉलिड फिनिश रहने वाली है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हो। प्लस इसके जो होल्स रहने वाले हैं वो आपके क्लोज रहने वाले हैं, और जो अपने हेलो वॉच 3 के उसके होल्स भी ओपन रहने वाले हैं। प्लस आप देख सकते हो साइड का लुक, देख सकते हो दोनों वॉचेस का, दोनों सिमिलर वॉचेज रहने वाली है। पीछे से आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर इसमें सब कुछ मेंशन रहने वाला है छोटा छोटा,
यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बड़ा बड़ा मेंशन रहने वाला है, और इसका जो कलर है ये भी थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है गाइस, अब आते हैं इसके जो सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स पे आते हैं। मेजर चीज यार सेंसर बोल दिया, सेंसर सेंसर सेंसर। अब स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं कीप इट क्लोज टू स्किन, ये वाला देख सकते हो, ये अपना स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसने शायद जज कर लिया है कि हमने प्रेयर नहीं कर रखी, और ये मुझे लग रहा है इसका भी बता देगा टेबल का, और ये ऑन नहीं हुआ। अब मैं एक बार हाथ पे लगा के दिखाता हूँ, क्या पता ऑन हो जाए। ये देख सकते हो गाइस, मैंने हाथ पे वेयर टाइट से कर लेता हूँ, ये देख सकते हो स्टार्ट हो गया, जैसे ही हटाऊंगा बंद हो गया। तो गाइस इसमें जो एलो वॉच 3 है उसमें सेंसर्स मैं कह सकता हूँ रिलायबल हैं प्लस, और इसका देख सकते हो ये टेबल का भी मेजर कर रही है वॉच, तो इस पर रिलाई नहीं कर सकते आप एलो वॉच 3 पर, रिलाई कर सकते हो थोड़ा बहुत। और इसका कलर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत डिफरेंट इन्होंने करा है, पहले से कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, बट अच्छा लग रहा है ऐसी बात नहीं है। और गाइस अब नेक्स्ट आते हैं इसमें सेटिंग, आपको मैं दिखाता हूँ दोनों वॉचेस की सेटिंग कैसे कैसे रहने वाली है। ये देख सकते हो यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, ऑलमोस्ट सिमिलर इन्होंने दी है सेटिंग, मैं आपको भी दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है सेटिंग, ये देख सकते हो आप। बस जो स्मूथनेस है यार वो आपको HK में ही मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी हेलो वॉच 3 में। गाइस बैटरी लाइफ आते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग सोचते हैं यार बैटरी लाइफ तो इन घड़ियों में चलती कहाँ है यार, चाइनीज घड़ी होती है, बट ऐसी बात नहीं है, इन दोनों में बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा जेनविन है, स्पेशली हेलो वॉच और जो HK 8 Pro Max, इन दोनों में बहुत अच्छी बैटरी लाइफ आती है, 2 से 3 दिन आराम से ये वॉच निकाल जाती है। तो गाइस कुछ फीचर ऐसे रहने वाले हैं जो अपनी HK 8 Pro Max में ही आते हैं, जो सबसे पहले मैं स्पेशल आपको फीचर दिखाता हूँ वो रहने वाला है इसमें ChatGPT का। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ये अपना फोन से कनेक्ट होने के बाद ही चलेगी, यहाँ से प्रॉपर मैं सब कुछ पूछ सकता हूँ, जैसे आपका गूगल असिस्टेंट होता है सीरी होता है वैसे ये चलता है फोन से कनेक्ट होने के बाद, और बहुत जेन्युइन फीचर रहने वाला है इसमें। और दूसरा फीचर इसमें रहता है जो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, उसका जो डायल का डिफरेंस है वो भी डिफरेंस रहने वाला है, प्लस ये पहले से स्मूथ हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो HK 1 लिखा हुआ है, प्रॉपर सब कुछ मेंशन रहने वाला है इसके अंदर, और पहले से ज्यादा स्मूथ हो गई है Gen 2, जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपर स्मूथ रहने वाली है। ChatGPT का इसमें ऑप्शन रहने वाला है। और अब मैं आता हूँ हेलो वॉच 3 में, जो स्पेशल इसमें रहने वाला है, इसमें रहने वाला है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये जैसे मैं सेट करूंगा डिम हो जाएगी, और जैसे मैं ऊपर उठाऊंगा ये हो जाएगी ब्राइट, जैसे आपकी ओरिजिनल में आते हो, और ये वाली फील जो आती है भाई गजब फील आती है, अगर आप पहन के रखते हो इसे और ये वाला आपका वॉलपेपर लगा हो ना, और जैसे मैं हाथ में उठाऊं ऊपर वो हो जाए भाई एक नंबर फील आती है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ आपको, हो गया यार बहुत जबरदस्त फंक्शन है यार ये वाला तो। और मैंने भी काफी टाइम बाद नोटिस करा, मैं काफी टाइम से वॉच यूज कर रहा हूँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये वाला यूज करके फंक्शन, जैसे कि आप अरे रुक जाओ भाई, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन ऑफ ब्राइट हाई स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे मैं गया, और यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बंद नहीं होगी, ये डिम हो जाएगी, मैंने यहाँ पे करा जैसे कि जो डिम हो गई, जैसे मैं सामने लाऊंगा और ये हो गई ब्राइट। तो ये गाइस एक नंबर फंक्शन रहने वाला है। अब HK 8 Pro Max की बारी आती है, HK 8 Pro Max का मैं आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अभी फटाफट से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, जैसे ब्राइटनेस में गया, यहाँ पे आप देख सकते हो AOD कॉन्स्टेंट, इसमें भी हमेशा के लिए ऑन रहती है, बट इसमें जो लाइटिंग है और जो इसमें जो इफेक्ट है वो डिफरेंट रहेगा, मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ। जैसे मैं इधर छोड़ देता हूँ इसे 2 मिनट, जो इसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, और यहाँ पे अपने आप ऑन हो जाएगा 2 सेकंड में। तो इसमें ऐसा कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे पॉइंटेड यहाँ पे आ जाता है, और ये हमेशा के लिए ऑन रहता है, और सेम टू सेम आप इसमें देख सकते हो इसमें वॉलपेपर रहता है, और इसमें आप देख सकते हो ये पॉइंटेड आएगा, तो ये वाला बहुत प्यारा लगता है। इसमें ये वाला भी लग सकता है, दोनों में पॉइंटेड भी आ सकता है, और इसमें जो 3-4 तरीके के इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, सबसे पहले तो ये वाला आएगा जो वॉलपेपर होता है, दूसरा इसमें आता है पॉइंटर्स वाला जिसमें नंबर्स आते हैं, और तीसरा आता है इसमें ये वाला जो इसमें ऐसा आ रहा है, 3 तरह की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, प्लस इसके अंदर जो 12 आवर का भी फंक्शन है, इसमें 24 आवर्स रहता है, इसमें 12 आवर्स का भी फंक्शन रहता है आपका, और इसमें वॉलपेपर्स आप देख सकते हो कैसे मूव होते हैं, इसका वॉलपेपर रहेगा दबाओगे यहाँ से और इसे ऐसे मूव। गाइस अगर किसी को स्मूथनेस के मामले में चाहिए यार एक नंबर क्वालिटी चाहिए, रिलायबल घड़ी चाहिए, तो आप जा सकते हो HK 8 Pro Max के, पता है आपको वेयर फिट ब्रांड कब से चली आ रही है और एक नंबर क्वालिटी देती है। बस इसमें जो मुझे इशू लगता है वो सेंसर्स का लगता है, इसमें सेंसर ओरिजिनल नहीं आते, और 2-3 फंक्शन जो है वो नहीं आते, बाकी घड़ी एक नंबर रहने वाली है। जिस किसी ने भी HK 8 Pro Max लिया उसे पता ही है क्या क्वालिटी रहने है। पर जो अपनी हेलो वॉच 3 है भाई ये भी किसी से कम नहीं है, ऑलवेज 3 तरीके के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, फीचर वाइज आर पार वॉच है ये वाली, और क्वालिटी वाइज भी एक नंबर है। बस इसमें जो आपका स्मूथ नहीं रहता इंटरफेस, इंटरफेस इनका अपना रहता है, पर जो क्वालिटी है जेन्युइन रहने वाली है, ऐसी बात नहीं है, बहुत जेन्युइन क्वालिटी रहती है हेलो वॉच की भी। तो दोनों में से आप कोई भी वॉच लेना चाहो, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में
सब कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट सब कुछ मेंशन रहने वाला है, वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, फटाफट कमेंट करो और गिव अवे जीतने के लिए आप फटाफट एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। तो गाइस फटाफट कमेंट करके बता दोनों में से कौन सी वॉच बेस्ट लगी है आपको, फटाफट कमेंट करो। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए भी एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और दोनों में से कौन सी बढ़िया वॉच लगी फटाफट परचेज करो। लिमिटेड स्टॉक है, क्वालिटी आपको एक नंबर मिलने वाली है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले सारे के सारे फीचर्स रहने वाले हैं, तो किस चीज का वेट करो। कॉस्टिंग हमारी एक नंबर रहती है, वेबसाइट का लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है, प्लस नंबर भी डिस्क्रिप्शन में। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको मिल जाएगा 100%। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।